है? क्या तुम एक नेता हो सकते हो बिना खुद को व्यवस्थापक समझे? क्या तुम समझ सकते हो जो हो रहा है और क्या उसे होने दे सकते हो? क्या तुम भूल सकते हो जो तुम जानते हो और उसे समझ सकते हो जो वास्तविक है? क्या तुम पोषण कर सकते हो अपने लोगों का, उनको तुम्हारा कर्जदार समझे बिना? वस्तुओं को रख सकते हो बिना उनमें आसक्त हुए? कार्य कर सकते हो बिना उसके फल चाहे? नेतृत्व कर सकते हो हुक्म दिए बिना? यही तो सब सही करने का रास्ता है। एक पहिए के अंदर ताड़िया होती है, पर वह एक खोखली नली के चारों तरफ घूमता है। एक बर्तन मिट्टी का बना होता है, पर हम जल उसके अंदर रखते हैं। एक घर ईंटों और लकड़ी से बना होता है, पर हम रहते तो दीवारों के बीच की खाली जगह में है। हम किसी वस्तु पर काम करते हैं और किसी चीज का इस्तेमाल करते हैं जो कि है कुछ भी नहीं। दृष्टि धुंधलाती है, ध्वनि बहराती है, इच्छाएं हृदय के साथ खेलती है और ये संसार हमारे मन के साथ। पर एक साधु मुनि इन सबको देखता है और जो वास्तविक है उसी पर एकाग्र रहता है। विजयी होना कभी कभी हारने जैसा बुरा भी हो सकता है। आत्मविश्वास आपको उतना ही झकझोर सकता है जितना कि डर। इसका क्या मतलब है कि जितना कभी कभी हारने जैसा बुरा भी हो सकता है? जब तुम हारे हुए होते हो तो तुम कोशिश करके ऊपर उठ सकते हो, लेकिन जब तुम ऊपर ही होते हो तो तुम जल्दी से नीचे गिरते हो। हार जीत की परवाह मत करो और जो तुम्हें करना है उसे करो। इसका क्या मतलब है कि आत्मविश्वास आपको उतना ही झकझोर सकता है जितना कि डर। डर आपको कई बार नुकसानदेह कार्य करने से रोक देता है, लेकिन अधिक आत्मविश्वास होने से आप में घमंड हो जाता है। गर्व से चलो पर घमंड मत करो। अपनी क्षमताओं को पहचानो और तुम्हें कोई भी वापस नहीं धकेल पाएगा। जो तुम कर सकते हो उसे करो, बाकी सब अपने आप होता जाएगा। तुम ताओ को देख नहीं सकते, चाहे कितने भी ध्यान से देखो। तुम उसे सुन नहीं सकते, चाहे कितने भी ध्यान से सुनने की कोशिश करो। तुम उसे पकड़ नहीं पाओगे, चाहे कितनी भी जोर से पकड़ो। इसको देखो, इसका कोई आरंभ नहीं है। इसके साथ चलो, इसका कोई अंत नहीं है। पर यह है, यह तुम में भी है और तुम्हारे चारों तरफ भी है। वर्तमान को समझो और तुम्हें आदिकाल तक का ज्ञान हो जाएगा। इसे ही कहते हैं वक्त की पहिया। प्राचीन साधु मुनि बहुत ही प्रभावशाली होते थे। वे बहुत ही मग्न होते थे, बहुत ही गहराई से विचार करते थे। हम इसको शब्दों में नहीं बता सकते कि वो कितने गहन थे। हम तो सिर्फ इस बारे में बातें करते हैं कि वे कैसे थे। वे सावधान होते थे जैसे कि एक बर्फ पर चलता हुआ आदमी। वे सतर्क होते थे जैसे कि एक जवान दुश्मन के इलाके में होता है। वे विनम्र होते थे जैसे कि एक मेहमान होता है। वे तेज होते थे जैसे कि एक बर्फ पिघलती है। वे समतल होते थे जैसे कि एक लकड़ी का टुकड़ा। उनका मन घाटी जितना गहरा होता था और उनका हृदय झरने के जल जैसा निर्मल। क्या आप ऐसी सहजता और निर्मलता का इंतजार कर सकते हैं इस संसार को समझने से पहले? क्या आप कार्य करने से पहले सही समय का इंतजार कर सकते हैं? जब आप फल की इच्छा के बिना कार्य करते हैं तब आप महान कार्य करते हैं। मन को साफ रखो, धैर्य रखो और देखो कि तुम्हारे चारों तरफ क्या घटित हो रहा है। हर चीज अपनी वास्तविक अवस्था में वापस जाती है। जो कुछ भी नहीं है शून्य है। मूल को जानने से शांति मिलती है। शांति मिलने से अपने प्रयोजन का ज्ञान होता है और इस ज्ञान के होने से स्थिरता मिलती है और इस स्थिरता से आत्मदृष्टि उत्पन्न होती है और हर चीज शून्य सदस्य हो जाती है और वह ताओ के साथ एक हो जाती है। अगर आप इसे नहीं समझते हो तो आप पहले ही गड़बड़ कर देते हो। अपनी मंजिल तक पहुंचने से पहले अगर आप इसे समझ जाते हो तो आपको पता होता है कि क्या करना है। अगर आप ताओ के अनुसार होते हो तो आपको डर नहीं होता, क्योंकि आपको पता होता है कि आप कर लोगे। जब साधु मुनि नेतृत्व संभालते हैं तो किसी को पता भी नहीं चलता कि वो मौजूद है। दूसरा अच्छा नेता वो होता है जो भलाई करता है। इसके बाद वो होता है जिसका डर के कारण पालन किया जाता है। सबसे खराब वो है जिससे लोग नफरत करते हो। लोगों की इज्जत व उन पर भरोसा करो, इसी से आपको इज्जत व भरोसा मिलेगा। साधु मुनि सिर्फ आदेश नहीं देते, वे उनके साथ मिलकर कार्य करते हैं और जब कार्य पूर्ण हो जाता है तो सब मिलकर कहते हैं कि हम सब ने यह कार्य किया है। जब लोग ताओ का सानिध्य खो देते हैं तब वे बातें करने लगते हैं सही और गलत की और नियमों की। जब लोग वास्तविकता को भूल जाते हैं तब वे प्रमाणों की बात करने लगते हैं। जब वे एक दूसरे का आदर नहीं करते तब वे बातें शुरू करते हैं विनम्रता और सद्भाव की। जब एक राष्ट्र अस्थिर होता है तब वे देशभक्ति की बातें शुरू करते हैं। ढोंगपन छोड़ो और ज्ञान का आदर करो, तब लोग वास्तविकता को समझेंगे और खुश रहेंगे।
चतुरता को छोड़ो और मूल्यों को समझो और लोगों में आदर भाव व प्यार होगा। लालच को छोड़ो और वास्तविक लाभ को समझो, इससे चोरी और डकैती खत्म हो जाएगी। अगर तुमसे यह संभव नहीं है तो दूसरा तरीका अपनाओ, सरल बनो तथा वास्तविक रहो। पूरी निष्ठा से अपने कार्य को करो, उससे तुम्हें क्या लाभ होगा यह मत सोचो। एकाग्र रहो और अपनी लालसाओं को जाने दो। अपना वक्त खराब मत करो बेकार का सोचने में। तुम इस बात की चिंता क्यों करते हो कि लोग तुमसे सहमत है या नहीं? तुम इस बात की चिंता क्यों करते हो कि उन्हें तुम पसंद हो या नहीं? तुम उन वस्तुओं की चिंता क्यों करते हो जो औरों के लिए हो? इन सब के बारे में सोचना बंद करो। लोगों को अपना काम करने दो और उन्हें खुद का आनंद उठाने दो। इन सब के लिए तुम क्यों चिंता करो? वसंत में कोई बगीचे में जाता है, कोई छत पर टहलता है, लेकिन तुम इस बात से चिंतित क्यों हो कि तुम कहीं पर नहीं गए? जैसे कि एक बच्चा होता है, हंसना सीखने से पहले वो नहीं जानता कि कैसे हंसा जाए, लेकिन फिर भी वो खुश रहता है। बाकी सबको इन सब में आसक्त होने दो, पर तुम नहीं हो रहे हो। तुमको अपना मन इन सब चीजों से नहीं भरना है, तुमको इन सब में नहीं फंसना है, किसी एक चीज से बंधे नहीं रहना है। और लोग चतुर होते हैं, मैं सोचता हूँ कि मैं मूर्ख हूँ। और लोगों का लक्ष्य होता है, मैं सोचता हूँ कि मैं लक्ष्य रहित हूँ, हवा की तरह हूँ या फिर लहरों की तरह। मैं औरों की तरह नहीं हूँ, मैं तो ताओ के साथ एक हूँ। एक साधु मुनि ताओ पर एकाग्र रहता है और कुछ नहीं, सिर्फ ताओ। ताओ का कोई रूप नहीं है, आकार नहीं है। हाँ, इसका कोई रूप नहीं है, आकार नहीं है, तब भी यह एक आकृति की तरह है। हाँ, इसका कोई आकार नहीं है, रूप नहीं है, तब भी इसका एक ढांचा है। हाँ, यह धुंधली है, उज्ज्वल नहीं है, फिर भी इसी के अंदर प्रकाश है। यही एक शाश्वत सत्य है और इसी से विश्वास है। आप एकाग्र कैसे रह सकते हैं एक ऐसी चीज पर? आदि से लेकर अब तक इसे भूला नहीं गया है, क्योंकि यह ऐसी ही है। जब से यह संसार है तभी तो यह हमारे साथ है। मैं यह कैसे जानता हूँ? इसी से ही मैं जानता हूँ। कभी कभी हार माननी पड़ती है हमेशा जीतने के लिए, झुकना पड़ता है ऊंचा खड़े रहने के लिए। अगर तुम ज्ञान चाहते हो तो पहले अपने मन को खाली करो। अगर तुम इस दुनिया को जीतना चाहते हो तो पहले स्वयं को जीतो। अपना सारा दम लगा दो अपनी आखिरी सांस पर, तभी तुम अपने सामर्थ्य को पहचान पाते हो। तुम दूर तक जाते हो जब तुम्हारे पास पकड़ने को कुछ नहीं होता। जितना तुम इकट्ठा करोगे उतना ही तुम वास्तविकता से दूर होते जाओगे। एक साधु मुनि इसे अपने हृदय से समझता है और औरों के लिए उदाहरण प्रस्तुत करता है। वह दिखावा नहीं करता, इसीलिए तो लोग उसकी समीक्षा करते हैं। वह अपने आप को परिभाषित नहीं करता, इसीलिए तो वह सबसे अलग होता है। वह अपनी क्षमता का गुणगान नहीं करता, इसीलिए तो वह सफल हो पाता है। उसे अपने कार्य पर घमंड नहीं होता, इसीलिए तो वह लंबे समय तक टिक पाता है। वह यहाँ किसी के साथ प्रतिस्पर्धा के लिए नहीं होता, इसीलिए तो कोई उसके रास्ते में नहीं आता। एक प्राचीन कहावत है, जो पेड़ तेज हवाओं में झुकता है वही बचा रह जाता है। यह सच है, आखिर में वही बचता है। ताओ के सानिध्य में रहो और तुम्हें इसका अर्थ समझ आ जाएगा। प्रकृति भी इसे अपनाती है, तभी तो हवाएं नहीं चलती पूरे दिन के लिए, तूफान नहीं रहता पूरे दिन के लिए। अगर प्रकृति यह जानती है और इसे अपनाती है तो तुम्हें भी करना चाहिए। इन्हें कौन हमेशा के लिए बना सकता है? क्या स्वर्ग और धरती? पर यह तो इनको शाश्वत नहीं बना सकते, तो फिर मनुष्य के लिए कैसे संभव है? जो ताओ के अनुसार होता है वह ताओ के साथ एक होता है। जो खुश रहता है उसे खुशी मिलती है, जो खुद को दुखी समझता है वह दुखी रहता है। जब तुम ताओ के साथ एक होते हो ताओ तुम्हें स्वीकार करती है। जब तुम खुशी को अपनाते हो तो खुशी तुम्हारे लिए वहां हमेशा होती है। स्वयं पर विश्वास रखो और बाकी सब भी तुम पर विश्वास करने लगेंगे। अपने उद्देश्य में दृढ़ रहो ताकि तुम रास्ते से भटक न जाओ। खुद पर नियंत्रण सीखो अगर तुम कुछ करना चाहते हो। खुद पर ध्यान आकर्षित मत करो अगर तुम चाहते हो लोगों का ध्यान तुम्हारी तरफ आए। कोई भी उनका आदर नहीं करता जिनके पास हमेशा बहाने होते हैं। कोई भी उनको श्रेय नहीं देता जो हमेशा खुद ले लेते हैं। लोग जो अपना प्रचार खुद करते हैं उनके पास देने के लिए कुछ नहीं होता। ताओ के संदर्भ में ये होते हैं, ढोंगी और हद से ज्यादा रखने वाले। वे नहीं लाते कभी भी खुशियां। जो लोग ताओ के साथ एक होते हैं उन्हें उनका अनुसरण नहीं करना चाहिए। कुछ है जो अप्रतिभाषित है फिर भी संपूर्ण है, शाश्वत है, जो धरती और आकाश से भी पहले से है, शांत और अपार, स्थिर है शुरुआत से और फिर भी मौजूद है। सभी चीजों की उत्पत्ति का कारण है। मैं इसका नाम नहीं जानता पर इसे ताओ के नाम से कहता हूँ। इतना भव्य कि यह टिका हुआ है,
और जो टिका रहता है वो लंबे समय तक रहता है, और जो लंबे समय तक रहता है वो शुरुआत में फिर आता है। ताओ भव्य है, धरती और स्वर्ग भी भव्य है, और जो ताओ के साथ एक है वो भी महान है। यही चार तो इस ब्रह्मांड में महान है। जो ताओ के साथ एक है वो धरती के साथ भी है, और धरती स्वर्ग के साथ है, और स्वर्ग ताओ के साथ है, और ताओ सबके साथ है। भारी ही हल्के की उत्पत्ति का कारण है, स्थिर से ही अस्थिर की उत्पत्ति है। इसीलिए साधु मुनि पूरा दिन चलते हुए भी अपनी मंजिल से दृष्टि नहीं हटाते। कई मनोहर चीजें उन्हें भटकाना भी चाहती है, पर वे शांत रहते हैं। एक शासक कैसे एक राष्ट्र को संभाल सकता है बिना किसी परेशानी के, जबकि वो इन सब लालसाओं और इच्छाओं से ग्रसित होता है। अगर वो ज्यादा उदार है तो उसके मंत्री भ्रष्ट हो जाएंगे, अगर वो ज्यादा सख्त है तो उसका राज्य खत्म हो जाएगा। पूर्ण अभ्यास के द्वारा तुम आ जा सकते हो बिना कोई छाप छोड़े, बिना लड़खड़ाए लगातार बोल सकते हो, मुश्किल गणित का हल निकाल सकते हो, दरवाजा बना सकते हो बिना ताले का जिसे कोई नहीं खोल पाएगा, बांध सकते हो किसी भी चीज को बिना गांठ के और बिना रस्सी के, और वो ढीला भी नहीं होगा। साधु मुनि होते हैं सबकी मदद करने के लिए, और जरूरत पड़ने पर सभी को अनदेखा भी करने के लिए। वे चीजों का उपयोग बुद्धिमत्ता के साथ करते हैं और कुछ भी बेकार नहीं जाने देते। कुछ लोग इसे कहते हैं अपने आत्म प्रकाश का अनुसरण करना। अच्छे लोग बुरे को सिखाते हैं क्योंकि उनमें सिखाने की क्षमता होती है। होशियारी किसी काम की नहीं होती। अगर आप अपने गुरु और बड़ों का आदर नहीं करते हो और दूसरों के हुनर को इज्जत नहीं देते हो, यही ताओ का सबसे महत्वपूर्ण पाठ है। अगर तुम ताकतवर हो पर फिर भी संवेदनशील हो, तो शक्ति तुम्हारे अंदर बहती है जिससे तुम हमेशा ताओ के साथ एक होते हो। यह एक नई जिंदगी की तरह है। अगर तुम आदर्शवादी हो परंतु वास्तविकता को जानते हो, तो तुम दूसरों के लिए उदाहरण प्रस्तुत करते हो। इसे करो और तुम हमेशा ताओ के साथ एक होगे, तुम कुछ भी कर सकोगे। अगर तुम अच्छा ही जानते हो पर तुम्हें बुरा का भी ज्ञान है, तो तुम दुनिया के लिए प्रमाण स्थापित करते हो। इसे करो और तुम हमेशा ताओ के अनुसार होगे, तुम फिर से कुछ भी कर सकोगे। अगर तुम मानवीय हो पर फिर भी विनम्र हो और चीजों को देखते हो जैसे कि वे है, तो तुम हमेशा ताओ के अनुसार होते हो और तुम्हारा जीवन सरल और सामर्थ्यवान हो जाता है। सच्चे तथा सजग रहो और फिर देखो ताओ तुम्हारे साथ एक होती है या नहीं। तुम इस दुनिया को विजय करना चाहते हो, फिर से सोचो, यह दुनिया एक पवित्र जगह है। तुम जो चाहो वे इसके साथ नहीं कर सकते। जिन्होंने इसे बदलने की कोशिश की है उन्होंने इसका विध्वंस कर दिया है, जिन्होंने इसे पाने की कोशिश की है उन्होंने इसे खो दिया है। कई बार आप आगे बढ़ते हैं या कई बार पीछे रहते हैं, कई बार आप खुद को बढ़ाते हैं या कई बार आप स्थिर रहते हैं, कई बार आप सुदृढ़ होते हैं तो कई बार कमजोर, कई बार आप ऊपर होते हैं तो कई बार नीचे होते हैं। एक साधु मुनि सदा जीवन व्यतीत करता है अधिकता से परहेज करते हुए। ध्यान से सुनो, अगर तुम एक मुखिया बनना चाहते हो तो जो ताओ के सानिध्य में होता है वो कभी भी अपने लक्ष्यों के लिए हिंसा का प्रयोग नहीं करता, क्योंकि हिंसा हमेशा बुरा ही लौटाती है, उससे कुछ बुरा ही होता है। युद्ध पर गई सेना अपने पीछे आंसुओं के निशान छोड़ देती है और फौजों की जीत हमेशा विध्वंस करती है। साधु मुनि वो करते हैं जो होना चाहिए और बस यही वो करते हैं। जो तुम्हें करना है वो तुम करो, बिना घमंड और अहंकार के कार्य को पूर्ण करो, पर फिर फल की चेष्टा मत करो। जो तुम्हें करना हो करो, पर खुद के फायदे के लिए नहीं, इसीलिए करो कि वो होना चाहिए। इसे इस तरह मत करो कि जैसा तुम सोचते हो कि यह होना चाहिए, ऐसा करो कि जैसे इसको होना चाहिए। ताकतवर अपनी सारी शक्तियां खो देता है और अपना ताओ के साथ संबंध भी। अगर वह ताओ के साथ सही नहीं होता है और वे ज्यादा समय तक नहीं टिकते और वे मृत की तरह होते हैं। हथियार भयावह वस्तु है, और अगर तुम ताओ के साथ एक होना चाहते हो तो उन्हें त्याग दो। एक साधु मुनि जानता है कि सबकी उत्पत्ति ताओ से है और पहचानता है कि इन सब में क्या समानता है। अपने विरोधियों के साथ वह हमेशा कोशिश करता है झगड़े से बचने की, लेकिन जब कोई रास्ता नहीं बचता तब वह शक्ति का सावधानी से उपयोग करता है। यह वह बिल्कुल संयम से करता है और कभी उस जीत का जश्न नहीं मनाता जो वो उसे लोगों को मारकर मिली है। जो लोग दूसरे लोगों की हत्याएं करते हैं वे ताओ के साथ अपना सानिध्य खो देते हैं। जब आप एक युद्ध जीतते हैं तब आप कब्रों पर चलते हैं, मरे हुए को सम्मान दो।
ताओ एक शाश्वत रहस्य है। यह इतना छोटा है कि तुम इसे पकड़ नहीं सकते। अगर एक मुखिया ताओ के साथ एक होता है तो बाकी सब उसे निर्विरोध अपनाते हैं और हर चीज सही हो जाती है। लोग सही चीज करते हैं बिना कुछ बताए। जब एक चीज के कई भाग किए जाते हैं तो उनको हर एक को एक नाम चाहता है। यहाँ पहले से ही बहुत से नाम है और भेद है। फिर हमें पता होना चाहिए कि हमें कहाँ रुकना है। इसके जानने से विपत्तियां नहीं आती। इस ब्रह्मांड में हर चीज के पास ताओ है और हर वस्तु ताओ की तरफ जाती है, जैसे कि नदियों का पानी समुद्र की तरफ जाता है। चीजों को जानना आपको चतुर बनाता है, पर खुद को जानना आपको बुद्धिमान बनाता है। औरों पर विजय होने के लिए तुम्हारा ताकतवर होना जरूरी है, पर खुद को जीतने के लिए तुम्हारा सामर्थ्यवान होना जरूरी है। जब तुम्हारे पास होता है जो तुम्हें चाहिए, तभी तुम सही मायने में संपन्न होते हो। अगर तुम कभी हार नहीं मानोगे तो तुम कोई रास्ता जरूर निकाल लोगे। अगर तुम अपने प्रति ईमानदार रहते हो तो तुम कभी नहीं भटकोगे। अगर तुम अपनी जिंदगी में जीवंत रहते हो तभी तुम जीते हो। ताओ सभी दिशाओं में है, यह हर वस्तु में है, पर हर वस्तु के पास यह नहीं है। सबको इसकी जरूरत है, तभी तो यह प्रदान करती है और बदले में कुछ नहीं चाहती। हर चीज ताओ से आती है, पर यह अपने आप को प्रदर्शित नहीं करती। यह कुछ चाहती भी नहीं और कुछ सोचती भी नहीं। हर चीज ताओ की तरफ जाती है, पर वह उनका स्वामी नहीं बनती। इसलिए इसे हम महान भी कहते हैं, क्योंकि यह कभी इस महानता की इच्छा नहीं रखती। यही तो इसकी महानता है। जब आप ताओ के साथ एक होते हो तब हर कोई आपका मित्र होना चाहता है। जब वे आपके आसपास होते हैं वे खुद को शांत व आनंदित महसूस करते हैं। लोगों का ध्यान आसानी से भंग हो जाता है अच्छे संगीत या अच्छे भोजन द्वारा। जब हम ताओ की बात करते हैं यह हमें औरों के मुकाबले उबाऊ लगता है। यह और किसी जैसा नहीं होता, न ही उन जैसा इसका अर्थ होता है। लेकिन तुम इसका कितना भी उपयोग करो यह हमेशा होती है। किसी चीज को पतला करने के लिए पहले उसे खींचो, उसे छोटा करने के लिए पहले उसे बढ़ाओ, किसी को कमजोर बनाने के लिए पहले उसे शक्ति दो, किसी चीज से पीछा छुड़ाने के लिए उसे प्रदर्शित करो, किसी चीज को लेने के लिए उसे सब कुछ दे दो। इसे ही कहते हैं सूक्ष्म दृष्टि, मंद और कोमल। विजय हो जाता है तेज और सख्त से। जैसे कि एक मछली को तालाब से बाहर नहीं आना चाहिए, एक राज्य को अपने गुप्त हथियारों का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। ताओ कभी कुछ नहीं करती, फिर भी न होने को कुछ बचता भी नहीं। अगर हमारे नायक ताओ के अनुसार हो जाए तो यह दुनिया अपना ध्यान खुद रख लेगी। अगर वे फिर भी कुछ करना चाहते हैं तो सरल व वास्तविक रहे। सच्चे स्वरूप की सरलता होने से इच्छाएं नहीं होती और इच्छाओं के न होने से शांति मिलती है, और यह संसार प्रकृति के अनुसार ही सही रास्ते पर चलता है। धन्यवाद। वन एंड ओनली ऑडियो बुक्स। चलिए चलते हैं अध्याय 2 की तरफ, जो है द वर्च्यू, वह सामर्थ्य। ताओ ते चिंग, लेखक लाओत्से। द वर्च्यू अर्थात ते वह सामर्थ्य। एक अच्छे व्यक्ति को अपनी अच्छाई का ज्ञान नहीं होता, इसीलिए ही तो वह अच्छा होता है। एक मूर्ख व्यक्ति अच्छा होने का ढोंग करता है, इसीलिए तो वह बुरा होता है। वह अच्छा व्यक्ति कुछ नहीं करता, फिर भी न होने के लिए कुछ नहीं बचता। वह मूर्ख व्यक्ति हमेशा किसी चीज में लगा रहता है, फिर भी उसे सब कुछ अपूर्ण लगता है। जब दयालु लोग कार्य करते हैं वे इसके परिणामों के बारे में नहीं सोचते। वे हमेशा बस उसे करते हैं और उन्हें आभास होता है कि वे सही कार्य कर रहे हैं। पर जब लालची व्यक्ति कोई कार्य करता है तो उसे कोई कुछ नहीं कहता। वह हमेशा सभी को अपने अनुसार चलने को कहता है। अगर आप ताओ के सानिध्य में नहीं है तब भी आप में अच्छाई मौजूद होती है। अगर आपके पास अच्छाई होती है तो आप हमेशा दयालु होते हैं। अगर आप दयालु हैं तो आप हमेशा न्यायप्रिय होते हैं। और अगर आप न्याय करते हैं तो कोई संशय बाकी नहीं रहता। संशय केवल एक भ्रांति है विश्वास और भरोसे की, और हमें हमेशा विपत्तियों की ओर ले जाता है। इसीलिए साधु मुनि हमेशा भरोसा रखते हैं जो यथार्थ है, न कि जो ऊपरी दिखावा है, फल पर न कि फूल पर। सत्य है, वे हमेशा वास्तविकता को महत्व देते हैं, दिखावे को नहीं। समय की शुरुआत से ही यह ताओ के सानिध्य में होने का मतलब है। ताओ ने स्वर्ग को सुंदर बनाया, ताओ ने धरती को दृढ़ बनाया, ताओ ने आत्मा को शक्ति दी, ताओ ने घटिया को उपजाऊ बनाया, ताओ ने जीवन प्रदान किया, ताओ ने शासक को अधिकार दिए,
ताओ के बिना स्वर्ग ढह जाएगा, ताओ के बिना धरती कम जाएगी, ताओ के बिना शक्ति मिट जाएगी, ताओ के बिना खेत सूख जाएंगे, ताओ के बिना जीवन खत्म हो जाएगा, ताओ के बिना शासन खत्म हो जाएगा। नम्रता हमें शक्ति देती है, हमारे शासकों को भी ऐसा ही सोचना चाहिए। विनम्र बिना ब्रह्मांड के, क्या यही विनम्रता है? सुदृढ़ बनो, दिखावे के पीछे मत भागो, अपना प्रदर्शन मत करो, तमाशा मत बनाओ। ताओ वापस जा रही है, जहाँ से वो आई थी वह आगे बढ़ रही है बिना कोई कदम बढ़ाए। वस्तु है जो अब है, एक बार वो भी नहीं थी। जब एक बुद्धिमान व्यक्ति ताओ के बारे में सुनता है, वह इसके साथ एक हो जाता है। जब एक साधारण व्यक्ति इसके बारे में सुनता है, वह इसके साथ होने की कोशिश करता है पर फिर इसे छोड़ देता है। जब एक मूर्ख इसके बारे में सुनता है, वह इस पर हंसता है। अगर वह इस पर नहीं हंसे तो यह ताओ नहीं है। इसीलिए यहाँ कहा गया है, ज्ञान का रास्ता मंद होता है, आगे बढ़ना कभी पीछे हटने जैसा लगता है, आसान रास्ता मुश्किल लगता है। ज्यादा सामर्थ्य वाले कमजोर प्रतीत होते हैं, जो शुद्ध होते हैं वे अपवित्र प्रतीत होते हैं। गहन विचार हास्य लगते हैं, महान शक्ति कमजोर प्रतीत होती है। जो वास्तविकता होती है हमें काल्पनिकता लगती है। सबसे बड़ी जगह की कोई सीमा नहीं है। सबसे बड़ी प्रतिभा ऐसा लगता है जैसे कुछ नहीं करती। सबसे महान आवाज को लोगों द्वारा सुना नहीं जाता। सबसे महान सुंदरता अदृश्य है। ताओ हमारे अंदर है, फिर भी इसका कोई नाम नहीं है। यह हमारे तथा प्रत्येक वस्तु के लिए सामर्थ्य का भंडार है। ताओ से एक की उत्पत्ति हुई, एक से दो हुए, दो से तीन, और इसी तरह सब चीजों की उत्पत्ति हुई। हर चीज की एक नकारात्मक प्रवृत्ति भी होती है, जिसे हम यिंग कहते हैं, और जो सकारात्मक होती है उसे हम यांग कहते हैं। जब ये दोनों मिलते हैं, वही तो परम समन्वय की अवस्था है। इस तरह विनम्र रहने से हमें फायदा मिलता है और लाभ चाहने से नुकसान होता है। हमारे पूर्वजों ने भी यही बताया है और मैं भी यही बता रहा हूँ। शक्तिहीन और बेकार कहा जाना मनुष्य को बुरा लगता है, किंतु साधु मुनि अपने आप को ऐसा ही बताते हैं। कोई खोकर पाता है तो कोई पाकर खोता है। औरों ने भी यही बताया है और मैं भी फिर से यही बता रहा हूँ। एक हिंसक व्यक्ति की मृत्यु भी हिंसक होती है, यह मेरी शिक्षा का सार है। इस ब्रह्मांड की सबसे कोमल वस्तु काबू पा लेती है सबसे सख्त पर। वह जिसमें कुछ नहीं होता पहुंच सकता है कभी भी। अब मैं निष्काम कर्म का मूल्य कहता हूँ। बिना शब्दों के ज्ञान और बिना कर्म के कार्य, यह बहुत कम को ही समझ आता है। क्या ज्यादा जरूरी है, ख्याति या अच्छाई? किसे तुम ज्यादा चाहते हो, पैसे को या फिर जीवन को? क्या ज्यादा खतरनाक है, हारना या जीतना? अगर तुम इच्छा हो और संग्रह में पूरी तरह लिप्त हो तो ये तुम्हारी जिंदगी में कठिनाई लाएंगे। अगर तुम वस्तुओं का संग्रह करते हो तो तुम उन्हें एक दिन खो दोगे। अगर तुम जानते हो कि तुम्हारे पास काफी है तो तुम इससे बच जाते हो। अगर तुम संयम और संतोष का अभ्यास करते हो तब तुम विपत्तियों से मुक्त रहते हो, और यही सफलता का रहस्य है। बड़ी सफलताएं प्रतीत होती है शुरू में गलतियों की तरह, पर तुम बाद में उसमें सफल हो जाते हो। जो चीजें पूर्ण होती है वे चीजें पहले खाली दिखती है, लेकिन बाद में तुम उन पर विश्वास करने लगते हो। सरल रास्ता टेढ़ा लगता है, और प्रतिभावान व्यक्तियों का उत्थान कठिनाइयों से ही होता है, और सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा शांत रहते हैं। जब सर्दी होती है तब तुम गर्माहट की तरफ जाते हो, जब गर्मी होती है तब तुम ठंडा होना चाहते हो। पर कैसी भी परिस्थिति हो, जब तुम धैर्य रखते हो तुम इस संसार को तुम्हारे लिए अपने चारों तरफ पाते हो। जब ये दुनिया ताओ के साथ एक होती है, घोड़ों का खाद जमीन को उपजाऊ बनाता है। जब यह दुनिया ताओ के साथ एक नहीं होती है, उन्हीं घोड़ों को युद्ध में ले जाया जाता है। अधिपत्य स्थापित करने से घातक कुछ नहीं है, इच्छाओं से खतरनाक कुछ नहीं है, लालच से भयावह कुछ नहीं है। जब तुम जानते हो कि जो तुम्हारे पास है वह काफी है, तब तुम्हारे पास हमेशा काफी होता है। तुम्हें अपना कमरा त्यागने की जरूरत नहीं है यह समझने के लिए कि इस संसार में क्या हो रहा है। तुम्हें खिड़की के बाहर झांकने की भी जरूरत नहीं है इसके सौंदर्य का अनुभव करने के लिए। जितना इसके लिए तुम भटकोगे उतना कम तुम जानोगे। साधु मुनि ऐसे नहीं भटकते हैं, वे तो जानते हैं। वे केवल वस्तुओं को देखते नहीं है, वे उन्हें समझते हैं। वे कुछ भी नहीं करते और कार्य भी हो जाता है। हम ज्यादातर प्रयत्न करते हैं हर दिन कुछ नया सीखने का,
पर अगर हमें ताओ के साथ एक होना है तो हमें हर दिन इनमें से कुछ न कुछ भुलाना होगा, त्यागना होगा। हमें इन्हें तब तक त्यागना होगा जब तक कि हमारे पास कुछ न बचे, और जब हमारे पास कुछ नहीं बचेगा तब हमारा कार्य पूर्ण होगा। सभी घटनाओं को उनके प्रवाह के अनुसार होने दो और सब कुछ तुम्हारे अनुसार हो जाएगा। अगर तुम अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने की कोशिश करते हो तो तुम कभी सफल नहीं होते। साधु मुनि खुद को सुनने के लिए नहीं कहते, वे तो दूसरों की बातों को सुनते हैं। वे अच्छे लोगों के साथ अच्छे होते हैं और बुरे लोगों के साथ भी अच्छे होते हैं। यह तो वास्तविक अच्छा ही है। उनका भरोसेमंदों पर भरोसा होता है और जो भरोसेमंद नहीं होता उन पे भी भरोसा होता है। यही तो सच्चा विश्वास है। वह अपने को इस दुनिया के लिए पूरी तरह न्योछावर कर देता है, लोगों में विश्वास बनाने के लिए और उन्हें एक करने के लिए। लोग उसको गौर से देखते हैं क्योंकि वह एक बच्चे की तरह आश्चर्य से होते हैं। जो लोग पाना चाहते हैं लंबी जिंदगी का रहस्य, वो जल्दी ही मरते हैं क्योंकि उनका शरीर उनकी जिंदगी पर आधारित होता है और उनके मृत्यु के कारण पर, क्योंकि वे सोचते हैं एक स्वस्थ शरीर ही जिंदगी के लिए काफी है। जबकि कहा गया है, एक व्यक्ति जो जिंदगी को समझता है पूरी तरह से, चल सकता है घने जंगलों में बिना डर के और युद्ध मैदान में बिना हथियार के, बिल्कुल कवच रहित। जंगली जानवर और हथियार इसे मार नहीं सकते। हाँ, मैं जानता हूँ इसका क्या मतलब है। वह मारा नहीं जा सकता क्योंकि वह अपने उस स्थूल शरीर में होता ही नहीं है। हर चीज की उत्पत्ति ताओ से होती है, उनका शक्ति द्वारा पालन होता है, वे तत्वों की बनी होती है और वातावरण द्वारा उन्हें ढाला जाता है। हर चीज ताओ का आदर करती है और इसकी शक्ति को समझती है। यह ऐसी ही है, ताओ सबको जीवन प्रदान करती है और इसकी शक्ति इसका पोषण करती है, उनका ध्यान रखती है और उनको बढ़ने में सहायता करती है, उनकी रक्षा करती है और उनको सुकून देती है। किसी चीज को पाओ बिना उसमें आसक्त हुए, कार्य को करो निस्वार्थ होकर, नेतृत्व करो बिना आदेश दिए, यही ताओ की शक्ति का रहस्य है। हर चीज की शुरुआत ताओ से होती है, वह सभी की जननी है। अगर आप माँ को जानते हो तो आप बच्चों को भी जानते हो। अगर आप बच्चों को जानते हो तो आपको माँ का ध्यान रहता है, आपको जिंदगी में किसी से डरने की जरूरत नहीं है। चुप हो जाओ और शांत रहो और तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। अगर तुम हर वक्त कुछ न कुछ बोलते रहते हो, किसी चीज में लगे रहते हो, तो तुम्हारे लिए कोई उम्मीद नहीं है। इसमें अंतर्दृष्टि चाहती है वस्तुओं की सूक्ष्मता को समझने के लिए, इसमें सामर्थ्य चाहता है आराम से इसके साथ ढलने के लिए। इस सामर्थ्य का उपयोग करो अपनी अंतर्दृष्टि को देखने के लिए और तुम्हें हमेशा शांति मिलेगी। इस रास्ते से हम ताओ के साथ एक हो सकते हैं। अगर मेरे पास थोड़ी सी भी अंतर्दृष्टि है तो मैं ताओ के साथ एक बनने की कोशिश करूंगा। मेरा अकेला डर इससे दूर होने का होगा। यह इतना मुश्किल भी नहीं है, पर लोग अपना ध्यान आसानी से इस पर से खो देते हैं। जब राजा का कोष खजाने से भरा होता है तब उसकी प्रजा के खेत खरपतवार से ग्रसित होते हैं और राज्य में भोजन की तंगी होती है। आज हम देखते हैं अच्छी पोशाकों में सजे धजे लोगों को, जो कि लालची होते हैं और रखते हैं तेज हथियार और खुद को भोगते हैं अच्छे खाने और मदिरा द्वारा। उनके पास उससे कहीं अधिक होता है जितना कि उन्हें चाहिए। वे तो डाकू लुटेरों की तरह है। यह बिल्कुल भी ताओ का रास्ता नहीं है। जब कोई चीज दृढ़ता से स्थापित होती है उसे उखाड़ा नहीं जा सकता। जिसे मजबूती से पकड़ा गया होता है वह फिसल नहीं सकती। यह उपाधित होती है पीढ़ी दर पीढ़ी। स्वयं को सामर्थ्य से विकसित करो और सामर्थ्य वास्तविक होगा। अपने परिवार को विकसित करो और संपन्नता चारों तरफ होगी। अपने गांव को विकसित करो और संपन्नता और बढ़ेगी। अपने राष्ट्र को विकसित करो और संपन्नता संपूर्ण होगी। संपूर्ण ब्रह्मांड को विकसित करो और यह हर जगह होगा। एक व्यक्ति को व्यक्ति की तरह देखो जैसे तुम हो। एक परिवार को परिवार की तरह देखो जैसे कि तुम्हारा हो। एक गांव को गांव की तरह देखो जैसे कि तुम्हारा हो। एक राष्ट्र को राष्ट्र की तरह देखो जैसे कि तुम्हारा हो। ब्रह्मांड को एक संपूर्ण ब्रह्मांड की तरह देखो। मैं यह सब कैसे जानता हूँ, बस मैं जानता हूँ। अपने को ताओ के सामर्थ्य से भरो, जैसे कि एक बच्चे में होता है। उसे मधुमक्खियाँ काटती नहीं है, जानवर उस पर आक्रमण नहीं करते। एक बच्चे की हड्डी कोमल व कमजोर होती है तब भी उसकी पकड़ मजबूत होती है। उसने कभी काम नहीं भोगा होता तब भी उसमें वह उत्तेजित होती है। यह होता है क्योंकि वह बिल्कुल शुद्ध है, निर्मल है, पवित्र है। वह पूरा दिन रो सकता है बिना अपनी आवाज में दम खोए, क्योंकि वह इस ब्रह्मांड से एक है। और अगर आप इस ब्रह्मांड से एक होते हैं तो आपको अंतर्दृष्टि का ज्ञान होता है। अगर आपको अंतर्दृष्टि का ज्ञान होता है
तो आप परम बोधित होते हैं। यह बुद्धिमता नहीं है इस तरह से उत्तेजित होना, अपने श्वास को रोकना और खुद को उसका नियंत्रण करना। हद से ज्यादा होना विनाश का कारण होता है। यह ताओ का रास्ता नहीं है। वे ताओ के साथ अपना संबंध खो चुके होते हैं, और जब आप ताओ के साथ संबंध अपना खो चुके होते हैं तो आप ज्यादा देर नहीं ठहरते हो। जो जानते हैं वो ज्यादा बोलते नहीं है, जो ज्यादा बोलते हैं वो जानते नहीं है। चुप रहो और शांत रहो, शांत रहो और चिंताओं को जाने दो। लोगों के नजरों में खुद को प्रदर्शित मत होने दो। इस ब्रह्मांड के साथ एक बनो और ताओ के साथ एक बनो। अगर आप ताओ के साथ सही होते हैं तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं होती है, खुद की प्रशंसा की या घृणा की भी, हारने की या जीतने की भी, सम्मान की या बेइज्जती की भी। यही तो रास्ता है सही होने का। तुम एक राष्ट्र नहीं चला सकते खुद के उसूलों के साथ। तुम युद्ध नहीं जीत सकते सिर्फ योजना और अनुमानों से, पर तुम संपूर्ण विश्व को पा सकते हो बिना कुछ किए। यह कैसे जानता हूँ मैं, मैंने यह होते हुए देखा है। जितनी ज्यादा बंदी से एक राष्ट्र लगाता है उतने ही असमर्थ उसके लोग बन जाते हैं। जब एक राष्ट्र हथियारों का संचय करता है तो विपत्तियां ही आती है, और देशों से भी और उसके लोगों से भी। जब एक शासक ज्यादा चतुर और चालक बनने की कोशिश करता है तो परिस्थितियां उसके हाथों से निकल जाती है और बिगड़ जाती है। जब वे इनको और नियम थोपकर ठीक करना चाहते हैं तो यह सिर्फ अपराधों को बढ़ावा देते हैं। एक बुद्धिमान मुखिया खुद को कहता है, मैंने कुछ नहीं किया, लोगों ने खुद को बदल लिया। मैं तो चुप रहा था और उन्होंने खुद से ही सही किया। मैं तो उनके रास्ते में आया ही नहीं और उन्होंने तरक्की की। मैंने कुछ नहीं चाहा और वे सदा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जब एक राष्ट्र पर सौम्य तरीके से शासन किया जाता है तो लोग सादा व सहज रहते हैं, पर जब सरकार सख्त और लोभी होती है तो लोग अपना समय लगाते हैं उसको हटाने के लिए। दुख तो वह है जो सुख पर टिका हुआ है, और सुख वह है जिसमें दुख छिपा हुआ है। कौन जानता है कि भविष्य में क्या है, सुख या दुख? क्या इनमें से एक भी चीज संपूर्ण नहीं हो सकती है? जिसे आज उचित समझा जाता है बाद में वह अनुचित हो जाती है। सही लगने वाले आभासों में कई बार छिपी होती है बेईमानी और घृणा। बहुत पहले से ही लोग फंसे हुए हैं इस भ्रम में। इसलिए साधु मुनि तेज होते हैं पर पैने नहीं, धारदार होते हैं पर नुकीले नहीं। वे सरल होते हैं पर अस्वाभाविक नहीं। वे शानदार होते हैं पर दिखावी नहीं। नेतृत्व संयम और सहजता पर आधारित होता है। संयम और सहजता का अभ्यास करो और तुम ताओ के सामर्थ्य के साथ होगे। अगर तुम ताओ के साथ सही होते हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अगर कुछ भी नामुमकिन नहीं है तो इसकी कोई सीमा नहीं है जो तुम कर सकते हो। अगर उसकी कोई सीमा नहीं है तो जो तुम कर सकते हो उस समय तुम वास्तव में एक सही मुखिया होते हो, और तुम इस पर ठहर पाते हो। मेरे इस परामर्श को याद रखो, अगर तुम एक मुखिया होना चाहते हो दृढ़ रहो। जैसे जड़ें जितनी गहरी होती है मिट्टी में उतनी ही मजबूत होती है। यह बहुत ही गहन है तथा एक हमेशा रहने वाली ताओ का बुनियाद है। जब एक राज्य को ताओ के अनुसार शासित किया जाता है और आप भी ताओ के अनुसार होते हो तो तुम्हें बुरे लोगों से भयभीत होने की कोई जरूरत नहीं होती। ऐसा नहीं है कि बुरे लोगों के पास शक्ति नहीं होती, पर वह शक्ति स्वयं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाती, और एक बुद्धिमान मुखिया की तरह वह भी कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। अगर राजा और उसकी प्रजा किसी को भी एक दूसरे से डर न हो तो इससे उसका राज्य फलता फूलता है। एक बड़ा राष्ट्र छोटे राज्यों को शासित करता है खुद को लचीला व विनम्र बनाकर। जैसे कि सारी नदियां बहती है अपने से नीचे स्थान वाले समुद्र की तरफ, इससे लोगों का स्वाभाविकता से विश्वास होगा अपने राष्ट्र के प्रति। जननी प्रकृति हमेशा शांत व धैर्यवान रहती है उत्तेजितता के शांत होने के लिए। इस तरह एक बड़ा राष्ट्र अगर अपने आप को लचीला विनम्र रखता है छोटे राज्यों को शासित करने के लिए तो वह लोगों के दिलों पर राज करता है और वे राज्य खुद की इच्छा से उसका हिस्सा बन जाते हैं। और जब एक छोटा राष्ट्र खुद को लचीला विनम्र रखता है बड़े राष्ट्र से पेश आते वक्त तो वह उससे बड़े राष्ट्र का विश्वास जीत लेता है और बड़े राष्ट्र का संरक्षण पाता है। इसीलिए जो विजेता बनना चाहते हैं उन्हें झुकना भी पड़ता है, क्योंकि झुककर ही वे विजेता बन पाते हैं। एक बड़ा राष्ट्र चाहता है सिर्फ एकता और संपन्नता अपने लोगों की, जबकि एक छोटा राष्ट्र चाहता है एक बड़े राष्ट्र का हिस्सा होना। अब जब दोनों की इच्छा पूर्ण हो जाती है जो वे चाहते हैं, इसीलिए हम कह सकते हैं कि यह अच्छा होता है खुद को नीचा रखना, अर्थात विनम्र और लचीला रखना। हर सजीव वस्तु पाती है अपनी ऊर्जा ताओ से। अच्छे लोग ताओ की अहमियत का आदर करते हैं जबकि मूर्ख और घमंडी नहीं करते, पर ताओ उनको भी ऊर्जा प्रदान करती है। कुछ लोग पाते हैं ताकत और ख्याति उनके विशिष्ट शब्दों द्वारा, कुछ पाते हैं उनके अच्छे कर्मों द्वारा, पर ताओ तो सबके लिए है सिर्फ शक्तिमान के लिए नहीं। इसलिए किसी को नीचा मत समझो। ताओ के साथ समाविष्ट होना अच्छा होता है,
एक राजा बनने से या फिर धन संपन्न होने से। साधु मुनि क्यों ताओ का आदर सत्कार करते हैं? क्योंकि जब तुम ताओ के साथ होते हो, तुम पाते हो जो तुम्हें चाहिए और परेशानियां तुम्हें खोज भी नहीं सकती। इसीलिए यही तो सबसे बड़ा सामर्थ्य है इस संसार में। शांत रहो और अपनी इच्छाएं त्याग कर कर्म करो। अपने लाभ के बिना कार्य को देखो, चखो बिना स्वाद की चाह के। इसी तरह छोटे और बड़े को भी समझो, और कम और ज्यादा को भी, और जो दयालु नहीं है उसके लिए भी दयालु बनो। हर दिन की जिंदगी की कद्र करना सीखो। छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दो। छोटे से शुरुआत करो, फिर उसे बड़ा करते जाओ। जब तुम्हें लोग परेशानियां दे, उन्हें जाने दो। हर चीज को बांट कर देखो और उसके छोटे हिस्सों के रूप में कार्य पूर्ण करो, इससे पहले कि वो विपत्ति न बन जाए। सही तैयारी से बड़े मुश्किल कार्य भी आसानी से पूर्ण हो जाते हैं। हर बड़ी शुरुआत छोटे छोटे कदमों से होती है। साधु मुनि ज्यादा बड़े काम की शुरुआत नहीं करते, जितना कि वो संभाल नहीं पाए। इसीलिए तो वे हर चीज को कर सकते हैं। जितना तुम दे सको उससे ज्यादा का वादा मत करो, और किसी कार्य को कमतर मत आंको। इससे तुम स्वयं ही अपनी मुश्किलों को बढ़ा रहे हो। साधु मुनि हमेशा पहले से ही जागरूक होते हैं, कार्य में होने वाली बाधाओं से भी। इसीलिए तो उन्हें उनका सामना नहीं करना पड़ता। जो शांत है उसे आसानी से दबोचा जा सकता है। विपत्तियों को शुरू होने से पहले ही खत्म किया जा सकता है। नाजुक चीज को आसानी से तोड़ा जा सकता है, और छोटी चीजों को आसानी से खोया जा सकता है। परिस्थितियों का सामना करो इससे पहले कि वो विपत्ति बन जाए। हर चीज को सरल रखो पहले कि वो उलझ जाए। हर पेड़ पहले एक बीज होता है। हर बड़ी इमारत की शुरुआत एक पत्थर से होती है। कई मील का सफर एक कदम से शुरू होता है। जब आप अत्यधिक कठोरता से कोशिश करते हैं, आप अपने ही लक्ष्य से भटक जाते हैं। वस्तुओं से लगाव रखोगे तो तुम्हें नुकसान पहुंचेगा उनके खोने से। साधुजन सहज होते हैं, इसीलिए तो वे कभी असफल नहीं होते। वे चीजों में आसक्त नहीं होते, इसीलिए तो वे उन्हें कभी नहीं खोते। लोग ध्यान हटा लेते हैं जब कार्य पूरा होने को होता है। आखिरी पड़ाव को भी उतनी ही अहमियत दो जितनी की पहले कदम को दी थी, और इससे तुम्हारा ध्यान नहीं भटकेगा। साधुजन इच्छाओं से मुक्त होने की सोचते हैं। वे मूल्यवान वस्तुओं का संग्रह नहीं करते। वे स्वयं के विश्वासों से बंधे नहीं होते। वे उस पर ध्यान देते हैं जिसको हर किसी ने नकार दिया होता है। वे इस संसार को ताओ के साथ सही होने में मदद करते हैं, लेकिन वो किसी चीज को बदलने का प्रयास भी नहीं करते। पुराने समय में जब नायक ताओ के साथ सही होते थे, वे लोगों को उपदेश नहीं बांटते फिरते थे। वे तो बस उनके जीवन को सरल और सहज रखते थे। जो आदमी सब कुछ जानता है उसे कुछ सिखाया नहीं जा सकता। मुखिया जो चतुर होने की कोशिश करता है वे परिस्थितियों को बिगाड़ देते हैं। जो नायक चीजों को सरल रखते हैं वे ही उनको सही ढंग से रख पाते हैं। अगर तुम समझ गए तो तुम ताओ की रहस्यमय शक्ति को समझ गए। इस प्रकार की शक्ति बहुत ही ताकतवर होती है और बहुत ही गहन होती है। यह होने वाली हर चीज को भेद सकती है। एक समुन्द्र बड़ा होता है उसमें बहने वाली सैकड़ों नदियों से, और वो बस इंतजार करता है जो वो नदियां लाती है। अगर एक साधु को लोगों को सही दिशा दिखानी है तो उसे विनम्रता से पेश आना होगा। अगर उसे उनकी अगुवाई करनी है तो उनको उनके पीछे पीछे चलना होगा। अगर तुम उनकी अगुवाई करना चाहते हो तो पता लगाओ कि वे कहाँ जाना चाहते हैं। इस तरह जब वह साधु नेतृत्व करता है तब लोग अपने अधिकारों और अपने को दबा हुआ नहीं समझते हैं। लोग ऐसे मुखिया को चाहते हैं जो उनको उत्पीड़ित किए बिना उनकी रक्षा करे। वे हमेशा ऐसे मुखिया का साथ देते हैं क्योंकि वह मुखिया कोशिश नहीं करता किसी के साथ स्पर्धा की, इसीलिए कोई और भी उसके साथ स्पर्धा नहीं करता। हर कोई स्वर्ग के अंदर कहता है कि मेरी ताओ भव्य है तथा सबसे अलग है, क्योंकि यह भव्य है, इसीलिए तो यह सबसे भिन्न है। अगर यह सबसे भिन्न नहीं होती तो बहुत पहले ही समाप्त हो गई होती। जिंदगी में तीन मूल्य सबसे जरूरी है, सहानुभूति या लोगों के प्रति दया भाव, सहजता या किसी वस्तु के महत्व को समझना, नम्रता या किसी के साथ स्पर्धा नहीं करने से। साहस आता है लोगों के साथ सहानुभूति दिखाने से, दया भाव दिखाने से। उदारता आती है वस्तुओं का वास्तविक महत्व जानने से। नेतृत्व की क्षमता आती है उनके साथ विनम्र रहने से। पर इन दिनों हर कोई होना चाहता है बहादुर बिना किसी सहानुभूति के, होना चाहता है उदार बिना जीवन में सहजता के, नेतृत्व करना चाहता है बिना विनम्रता की समझ के। इससे कुछ अच्छा नहीं हो सकता। अगर तुम लोगों से आगे होना चाहते हो तो उनको दया भाव दिखाओ। जब वे तुम पर हमला करें सहानुभूति से अपना बचाव करो। यह इस ब्रह्मांड का सबसे ताकतवर बल है। एक अच्छा सिपाही हिंसक नहीं होता। एक अच्छा योद्धा कभी अपना आपा नहीं खोता। एक महान विजेता कभी दूसरों को चुनौती नहीं देता। एक अच्छा मुखिया विनम्र होता है।
किसी को नौकरी पर रखने का सबसे अच्छा तरीका है तुम उसके साथ रहकर काम करो। यही तो शक्ति है असंघर्षित होने की। इसे कहते हैं उन्हीं की शक्ति को उपयोग में लाना। इसे समझा जाता है प्रकृति के साथ सही तालमेल बनाना। यही तो परम वास्तविकता का एक रूप है। एक पुरानी फौजी कहावत है, मैं एक आक्रमण का सामना करना चाहूंगा न कि पहले उसे करना, मैं एक कदम पीछे बढ़ाना चाहूंगा आगे बढ़ाने से पहले। इसे कहते हैं बिना चले प्रगति करना। दुश्मन का सामना करना बिना उस पर आक्रमण किए, सशक्त होना बिना हथियारों के। जब आप अपना बचाव करते हैं बिना कोई बल दिखाए, तो आप अपने प्रतिद्वंदी को लड़ने के लिए कुछ नहीं छोड़ते। अपने दुश्मन पर आक्रमण करना, जो कि आपने बहुत ही कमतर आंका था, सबसे महंगी गलती होती है। जब दो शक्तियां आपस में टकराती है तो विजेता वही होता है जो इनसे होने वाले नुकसान व पीड़ा को समझता है। मेरे ताओ के ये शब्द आसान है समझने के लिए और अभ्यास करने के लिए, लेकिन फिर भी ये संसार न ही इन्हें समझता है न ही इनका अभ्यास करता है। मेरे ताओ के इन शब्दों में सूक्ष्म सत्य विद्यमान है। मेरे द्वारा किए गए कर्म ताओ के दिखाए गए रास्ते के अनुसार है। लोग यह नहीं समझते, इसीलिए तो वे ताओ को नहीं समझते, और जितना वे ताओ को नहीं समझते हैं उतना ही और गूढ़ रहस्य ताओ हो जाती है। यही कारण है कि साधु मुनि सरल और सहज तरीके से जीते हैं, अपने ज्ञान को अपने अंदर समेटे गहराई से। मिथ्या अज्ञान को जानना समर्थ है, ज्ञान को न जानना कमजोरी है। अगर कोई पीड़ित है पीड़ा से, तो वह असल में पीड़ित नहीं है। साधु मुनि पीड़ित नहीं होते, क्योंकि वे तो इस पीड़ा को पीड़ित कहते हैं। जब आप कोई भी भय नहीं दिखाते हैं, तो ये ब्रह्मांड आपको कुछ न कुछ देता है, जिससे आपको सच में भय हो। जब लोग आदेशों का आदर नहीं करते हैं, तो यह एक बड़ी भूल होती है। लोगों को मत सताओ और उन पर रोक मत लगाओ। उन्हें होने दो जो उन्हें होना चाहिए, और इससे तुम हमेशा उनके तरफ होगे। साधु मुनि हमेशा स्वयं को जानते हैं, पर वे इसे किसी को प्रदर्शित नहीं करते हैं। वे खुद को चाहते भी हैं, पर वे जानते हैं कि उनके जीवन का क्या मूल्य है, क्या उद्देश्य है। वे इस सब को जाने देते हैं और जो है उस पर ध्यान लगाते हैं। एक बहादुर और आवेशित व्यक्ति या तो मारेगा या मर जाएगा, लेकिन एक बहादुर और धैर्यवान व्यक्ति हमेशा लोगों की जिंदगी बचाने की सोचेगा। अब सोचो इनमें से कौन बहादुर है और कौन नुकसानदायक। प्रकृति क्या चाहती है कौन जान पाया है। इसलिए साधु मुनि परिचित होते हैं इस सूक्ष्मता से और इस प्रकृति के रास्ते की गहनता से। इसी तरीके से ताओ कार्य करती है। यह अपने आप को बढ़ावा नहीं देती और फिर भी यह सफल हो जाती है। यह चुपचाप अपना काम कर लेती है और हमेशा कुछ करती है। इसे आहत नहीं किया जा सकता। जब यह चाहती है तब यह आती है। यह कभी जल्दबाजी नहीं करती। यह हमेशा समय पर आती है। स्वर्ग का जाल बहुत बड़ा है, इसमें बहुत बड़े छेद भी है, फिर भी उनमें से कुछ नहीं फिसलता। जब लोगों में मौत का डर नहीं रहता, तब कोई कोशिश नहीं करता उन्हें मौत से डराने की। अगर लोग अपनी जिंदगी का मूल्य समझे और अपराधियों को सजा दी जाए, तो कौन हिम्मत करेगा अपराध करने की। जन्म और मृत्यु तो इस प्रकृति के नियमों द्वारा यमराज के हाथ में है। जो लोग इसे नियंत्रण में करना चाहते हैं और यमराज से बदलना चाहते हैं, यह तो वैसा ही है जैसे कि एक मुख्य बड़े को लकड़ी काटने के लिए कह दिया जाए। जो ऐसा करते हैं, बड़े को लकड़ी काटने के लिए कहते हैं, उनके ऐसे कम ही मौके होते हैं जब उनके हाथों को चोट नहीं पहुंचती। लोग भूखे मरते हैं क्योंकि सरकारें उन पर ज्यादा कर लगाती है। लोग विद्रोही बनते हैं क्योंकि